जब भी फरहान अख्तर संगीत के साथ जुड़े हैं, हमारे दिमाग में उनका एक ही इमेज बना है और वो है रॉक ऑन। जब वो गिटार को झनझनाते हुए स्टेज को हिला देते थे, फरहान कुछ इसी अंदाज में फिर से वापसी कर रहे हैं, लेकिन एक रॉक स्टार इमेज की तरह नहीं बल्कि इसी से थोड़ा जुड़ा हुआ अपनी नई फिल्म लखनऊ सेंट्रल में। इस फिल्म का शीर्षक जितना रोमांचक लगता है उससे कई ज्यादा ये फिल्म रोमांचक है। तो ये रहे 5 वजहें कि आखिर आपको इस हफ्ते लखनऊ सेंट्रल क्यों देखनी चाहिए। पहला कारण, बताने की जरूरत है क्या? जाहिर सी बात है, फरहान अख्तर। प्रोड्यूसर निखिल आडवाणी का कहना था कि फरहान को इस फिल्म में पूरी तरह एक नए अवतार में देखा जाएगा। वैसे ट्रेलर में भी हम फरहान की अच्छी एक्टिंग स्किल्स को देख चुके हैं। फरहान अभिनय के मामले में सबसे टॉप का प्रदर्शन कर रहे हैं। भोलेपन से लेकर एक मजबूत इंसान तक, कई आकांक्षाएं रखने वाले व्यक्ति जिसके सपने कुछ परिस्थितियों के कारण टूट जाते हैं और वो कैसे उन हार्ड सिचुएशंस का सामना करता है। फरहान इस फिल्म के जरिए अलग तरह के इमोशन को दिखाने के लिए तैयार हैं, जिसका हम और इंतजार नहीं कर सकते। लखनऊ सेंट्रल एक जेल की पृष्ठभूमि के खिलाफ है और कैदियों का एक समूह इस जेल को कैसे तोड़ता है। किशन को गलत तरीके से एक मर्डर में फंसा दिया जाता है, जिसके बाद वो लखनऊ सेंट्रल जेल में आता है। इस बीच एक एनजीओ कार्यकर्ता गायत्री को जेल में कैदियों की मदद से एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए एक बैंड बनाना होता है और इसी तरह गायत्री की मुलाकात किशन और अन्य 4 कैदियों से होती है। जेल में ये कैदी ऐसे दिखाते हैं जैसे इन्हें संगीत काफी पसंद है, लेकिन वास्तव में वो जेल से निकलने का प्लान बनाते हैं। लेकिन क्या वो सफल हो पाते हैं? जाइए खुद ही देख लीजिए। फिल्म सच्चे कहानियों से प्रेरित है। वैसे लखनऊ में सच में एक हीलिंग हार्ट्स नामक बैंड है जो फंक्शन में परफॉर्म करता है। तीसरा कारण है डायना पेंटी। 2012 में फिल्म कॉकटेल से अपनी डेब्यू करने वाली डायना 4 साल बाद फिल्मों में वापस आई और फिल्म थी हैप्पी भाग जाएगी। लखनऊ सेंट्रल उनका तीसरा प्रोजेक्ट है। डायना अपने रोल काफी सोच समझ कर निभाती हैं, जिसको देखते हुए ये फिल्म उनके लिए शायद थोड़ी अलग हो। तो बॉलीवुड में आने के लिए हम उनको शुक्रिया करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म उनको बॉलीवुड में जमा दे। रॉनित रॉय, दीपक डोबरियाल, गिप्पी ग्रेवाल, रवि किशन और अन्य सितारे। लखनऊ सेंट्रल ठोस कलाकारों से भरी हुई फिल्म है। हालांकि उनमें से सभी ने पहले कभी ना कभी अपनी कौशलता को साबित किया है, लेकिन ये फिल्म उन सभी को एक छत के नीचे लेकर आती है। रॉनित रॉय की एक चालाक जल्लाद के रूप में शानदार कास्टिंग है। तो वहीं दूसरे एक्टर्स भी जो फरहान के साथ बैंड बनाते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म इन्हें कलाकारों के दमदार परफॉर्मेंस पर निर्भर करती है। लखनऊ सेंट्रल कंगना रनौत की आने वाली फिल्म सिमरन के साथ रिलीज होगी, लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां कंगना ने अपनी फिल्म का प्रचार और पब्लिसिटी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया है, तो क्या इस बीच लखनऊ सेंट्रल अपनी जगह बना पाएगी? लेकिन ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म थोड़ी अलग है और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म अपने लिए रास्ता जरूर खोज लेगी। पिछले हफ्ते हमने देखा कि कैसे डैडी और पोस्टर बॉयज को स्टीफन किंग की आईडी ने कड़ी टक्कर दी थी, तो क्या इस हफ्ते भी बॉलीवुड की ये फिल्म बॉलीवुड स्क्रीन्स पर राज कर पाएगी? हम ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करते। तो लखनऊ सेंट्रल कैसी होगी, जाइए थिएटर में फिल्म का मजा उठाइए। मिलते हैं सिनेमाघरों में।